नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचकुया मंदिर के पास एक व्यापारी से दो अभियुक्तों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लूट की इस घटना का 6 जून को अंजाम दिया गया। इस लूट घटकांड में लुटेरों ने व्यापारी से सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कई टीमों का गठन करके एक लूटकांड के खुलासे की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता हासिल की। ये दोनों अभियुक्त दतिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। सर, एक लूट की घटना हुई थी खंडेराव में, क्या मामला था? 6/6/2023 को सुबह करीब 11 बजे के लगभग कोतवाली क्षेत्र के खंडेराव कस्बे में पचकुइया मंदिर के पास में एक ज्वेलर से लूट हुई थी, जिसमें एक लड़का इनका बैग छीन करके भागा था और बगल में एक लड़का जो मोटरसाइकिल चालू करके बैठा खड़ा हुआ था, तत्काल उस पर बैठ करके भाग गए थे। यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में झांसी मऊरानीपुर तहसील प्रांगण में अन्ना जानवरों की ज्वलन समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। समस्याओं का ज्ञापन उपजिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी झांसी, मुख्य विकास अधिकारी झांसी को भेजा गया है और ग्राम पंचायत मेलवारा तकटोरी में लगभग 400 छुट्टा जानवरों ने नए किसान की फसलों को चौपट कर दिया। गुस्साए किसानों ने सुबह तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में जाकर कांग्रेस नेता शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। नेताजी, आज कम से कम एक दर्जन से अधिक ग्रामीण यहां पर अपनी शिकायतों को लेकर के उपजिलाधिकारी के पास आए हैं, क्या शिकायत है लोगों की, किस मांगों के अनुसार ये लोग आए हैं? देखिए, आज जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दयनीय स्थिति में बुंदेलखंड का किसान खासतौर से झांसी का पहुंच गया है। बड़ी मुश्किल में अतिवृष्टि और सूखा के चलते किसानों ने खेतों में खरीफ की फसल बोई है, जिसमें मूंगफली, तिली, उड़द, मूंग की फसल बोई है। बचते बचाते जो खेतों में अब फसल बची है उस पर अन्ना जानवरों का कहर जारी हो गया है। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक पेंशन रथ पहुंचा, जिसमें योगेश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन रथ निकाला जा रहा है, जिसमें लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। बता दें कि जैसे ही रथ रुड़की रोड पर पहुंचा तो मुजफ्फरनगर के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में रैली के माध्यम से सरकार को चेताया गया कि पुरानी पेंशन बहाल करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी ने जानकारी देते हुए कि रथ 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेगा। यहां पर सरकार से वो मांग करेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि 2024 में वो सरकारी कर्मचारी उसी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। वर्तमान में मॉनसून की वजह से ज्यादा बारिश होने के चलते भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आगामी कुछ दिनों के लिए विभिन्न जनपदों में भारी वर्षा के संबंध में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस मौसम में जल जनित बीमारियों के साथ साथ पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र में गांव पिपिरिया मशरा से शुक्रवार को गुरु नानक नाम सेवा संगत के द्वारा गुरुद्वारे में सुल्तानपुर लोधी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर 7 ट्रक, 10 छोटी गाड़ियों से राहत सामग्री रवाना की गई। इसमें विदेशी एनआरआई ने 35 लाख की बाढ़ पीड़ितों की मदद की। इस दौरान एक ट्रक पशुओं के लिए भूसा, 7500 लीटर तेल, 4500 क्विंटल गेहूं, 4500 कट्टे आटा, 50 कट्टे चावल, 250 कट्टे मसाला, 20 कट्टे दाल, 1800 किलो सूखा दूध और 500 किलो चीनी, 1000 क्विंटल और 500 मटर धानी सामान लेकर रणजीत सिंह प्रमुख, गुरजिंदर सिंह, रणजीत सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक ब्लॉक रोड, गुरुशरण, तमाम लोग यहां पंजाब के लिए रवाना हुए। ये गाड़ियां पंजाब जो बाढ़ आई है, बाढ़ में पिपरिया मजरा
यूपी 26 में जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ से रवानगी हुई है, और ये यूपी 26 और यूपी 31 और यूपी 27 तीन जिलों के राहत सामग्री जो है इकट्ठी की गई, और यह राहत सामग्री पंजाब जा रही है, और साथ में NRI जो विदेशों में रह रहे हैं उन भाइयों ने भी मदद की है, और ये गुरु नानक नाम लेवा संगत के माध्यम से पंजाब के लिए रवानगी हुई है। यूपी कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव अनिल यादव की प्रेस वार्ता हुई। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई। संगठन सचिव अनिल यादव ने योगी सरकार के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान की बदहाली को लेकर घेरा है। पूरे यूपी में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है। योगी सरकार कल्याण सिंह कैंसर संस्थान को खंडहर में बदलने पर आमदा है। अस्पतालों में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। यूपी के अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नहीं है। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में घोर भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। संस्थान बनाया गया था कि बेहतर इलाज हो। इस संस्थान में कोई स्थायी डॉक्टर नहीं है, ना ही डायरेक्टरेट है। इस संस्थान में डॉक्टर को सातवें वेतन का लाभ नहीं मिल रहा। पिछले 3 सालों में 16 काबिल डॉक्टर ने मजबूरी में इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है कि अस्थाई DGP की भी बात होनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए या हम जैसे नेताओं के लिए जिनका ज़मीन से एक वास्ता है, हजारों लोग धक्के खाते हैं। मैं जिस इलाके से पूर्वांचल से आता हूँ, शायद कोई ज़िला हो जिससे हर दिन जो है दर्जनों लोग BHU में, बम्बई में कैंसर के इलाज के लिए धक्के खाने ना जाते हों। मुझसे लोगों ने अपील की, मुझसे कहा कि ये अहम मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और शादी से मुकरने का मामला सामने आया है। SSP को दिए प्रार्थना पत्र में कोतवाली क्षेत्र के निवासी युवती ने बताया कि लगभग 4 साल पहले बड़ा गांव गेट बाहर निवासी युवक से उसे अपने जाल में फंसा लिया और धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और बलात्कार किया। पोस्ट में आने पर जब पुलिस से शिकायत की बात कही तो युवक ने जल्द से जल्द शादी करने का वादा किया। काफी समय तक शादी न करने पर युवती ने जिद पकड़ी तो युवक उसे मथुरा के एक मंदिर में ले गया और मांग में सिंदूर भर दिया। जल्द ही विधिवत शादी का आश्वासन दिया। इस दौरान युवक लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, अब वो शादी से मुकर गया। युवती ने पुलिस से दोषी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बस्ती के हमारे गांव में बीती रात चोरों ने एक घर पर धावा बोला। इस बार चोरों ने चुपके से चोरी नहीं की, बकायदा दरवाजा खटखटाया। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला उसको नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। महिला के बेहोश होने के बाद आराम से चोरों ने अलमारी बक्सा तोड़कर लाखों के जेवर चोरी कर लिए। चोरी के दौरान महिला होश में नहीं आई और कहीं ना कहीं उसको लगातार वो टॉर्चर भी करते रहे। एक दो बार महिला का पैर में कट भी मारा और एक दर्जन से ज्यादा ब्लेड से पैर के जो तलवे हैं उनको फाड़ दिया। जब घरवालों को चोरी की घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाते हुए सड़क पर आ गए। घरवालों का आरोप है कि जब वो वहां से गश्त कर रही थी पुलिस उनको जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। झांसी तहसील मऊरानीपुर के सरकार निवासी किसान गोविंद आदिवासी पुत्र सुखलाल आदिवासी उम्र 32 वर्ष के खेतों की रखवाली करते समय सांप के काटने से मौत हो गई। किसान गोविंद आदिवासी 1.5 बीघा का काश्तकार था जो 27 जुलाई को अपने खेत की रखवाली कर रहा था, न जानवरों को भगा रहा था। इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े के काटने से अचेत अवस्था में खेतों पर गिर पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने परिजनों को बताया। परिजन अनुपान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाए जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसका पंचनामा भी किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद पता चला है कि जहरीले कीड़े नहीं सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। सहारनपुर में शासन और प्रशासन की उदासीनता के चलते महिलाएं अपनी जान देने को उतारू हैं। वेतन और मानदेय की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आशाएं अब तेल छिड़ककर अपने आप को आग के हवाले करने की कोशिश में लगी हैं। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी महिलाएं हकीकत नगर चौक पर धरना स्थल पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी, जहां पर प्रदर्शन प्रशासन और शासन की उदासीनता का आरोप लगाते हुए वो प्रदर्शन करने लगी। कई आशाओं ने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। गनीमत रही कि समय रहती पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों ने महिलाओं के हाथों से तेल की बोतल लेकर दूर फेंक दी। मांगों को लेकर लगातार वेतन को लेकर महिलाएं अपनी जान की बाजी लगा रही हैं। 15 दिन पहले भी आशा धरने पर बैठी थी, आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वेतन इन्हें नहीं मिला है।
पहले भी इन्होंने 20-25 दिन पहले ये धरना प्रदर्शन किया था, तो मेरी जानकारी में कुछ आया कि आशाओं का मानदेय रुका हुआ है। हालांकि मुझसे कभी कोई नहीं मिली जिले पे, जब यहाँ धरने पे बैठ गए तब मैं यहाँ आया था पिछली बार, और इनके साथ नेता जी हैं वो वालिया जी, उनसे ही बातचीत की थी पूरी। और तो उसमें यही कुछ लोगों के PFMs करते हैं हम लोग, वो फेलियर, पहले ये सारे पेमेंट इनके ब्लॉक से निकलते थे और पिछले कुछ महीनों से ये जिले से कर दिए हैं सारे पेमेंट। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बद्रीनाथ धाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे उनका मानसिक दिवालियापन करार दिया है। उन्होंने सपा तथा कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया, कहा कि हिंदू तीर्थस्थलों के बारे में ऐसे बयान देना इन पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा है। कहा कि कांग्रेस को मौर्य के बयान पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके गठबंधन की सहयोगी है। लेकर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप जानते हैं कि आदिकाल से, प्राचीन काल से जो बद्रिकाश्रम है, बद्री विशाल है, उसका हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है, और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये सदैव से केंद्र रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनके मानसिक दिवालियेपन का ये द्योतक है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा से जो हिंदुओं के मान बिंदु रहे हैं, हिंदुओं की संस्कृति रही है, हिंदुओं की जो परंपरा रही है, हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। हाईकोर्ट के फटकार के बाद एक्शन में आए MDDA की विस्थापित कॉलोनी में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी है। MDDA ने आज भी 12 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। सील के साथ छेड़छाड़ करने पर बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी यहाँ पर दे दी गई है। वार्ड नंबर 12 के सदस्यों ने सभासद रवि रस्तोगी के नेतृत्व में विद्युत विभाग के जोई को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड नंबर 12 में लंबे समय से एक बिजली का खंभा रास्ते में लगा हुआ है और वो झुक गया है। कभी भी खंभा गिर सकता है, जिससे जनहानि होने की संभावना है। बिजली के खंभे ना होने की वजह से तारों का मकर जाल फैला हुआ है। तार इतने नीचे हैं कि आए दिन लोग करंट की चपेट में आते रहते हैं। तो फिलहाल उनका कहना है कि इन झूलते तारों को हटा दिया जाए, खंभे को ठीक कर दिया जाए, ताकि जनहानि से बचा जा सके। चमोली के अति दुरुस्त राजकीय इंटर कॉलेज गढ़कोट में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 183 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें PMGSY लोक निर्माण विभाग से संबंधित रही। शिविर में जिला पंचायत सदस्य भागीरथी रावत के द्वारा मींगाधीरा, खिलौली, करजुड़ा मोटर मार्ग समेत क्षेत्र के विभिन्न मोटर मार्गों पर अभी तक संबंधित निर्माणदायी विभागों के द्वारा काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी व्यक्त की गई, और साथ ही सभी मोटर मार्ग पर सही गुणवत्ता के कार्य नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वही अगर बात झांसी की करें तो झांसी के मऊरानीपुर में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य पहुंचे। आपको बता दें कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे डॉक्टर राजकुमार सोनी झांसी मंडल से। झांसी ने महिला वार्ड इमरजेंसी डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। महिला वार्ड में भर्ती महिलाओं से जानकारी ली, चिकित्सकों, स्टाफ के लोगों से भी बातचीत की, जहां एक और डिलीवरी कराने आई तीमारदारों ने, एक आशाओं ने अव्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं ऊपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर राजकुमार सोनी झांसी मंडल के आरोपों पर पर्दा डालते हुए नजर आए। संत कबीर नगर जिले के द्वारा थाना क्षेत्र के पचपोखरी गांव में जमीनी पैमाइश के दौरान ग्राम प्रधान के गुर्गे ने ग्राम प्रधान के इशारे पर 14 वर्षीय इरफान को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल किशोर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वह 14 वर्षीय किशोर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दरअसल पूरा मामला संत कबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के पचपोखरी गांव का बताया जा रहा है। कल दिनांक 27 जुलाई 2023 को ग्राम पंच पोखरी थाना दुधारा अंतर्गत शाम करीब 5 बजे कुछ लेखपाल प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में चक्रोड का पैमाइश कर रहे थे, जिसमें उनके द्वारा पुलिस बल की मांग नहीं की गई थी। पैमाइश के दौरान पड़ोसियों में कुछ विवाद होता है, जिसमें एक व्यक्ति एक बच्चे को चाकू से मार देता है। बच्चा जख्मी है और इस समय BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, वहाँ पे उसका इलाज हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।